بسم الله الرحمن الرحيم. Class 8 chemistry. Our topic is about chemical species, and you can see that we're starting with the matter. Now matter is made up of three types of particles. One is molecules, atoms and ions. Whether it's in the form of molecule, whether it's in the form of atoms, whether it's in the form of ions, it's still a matter. Atom can be defined as the smallest particle of an element that cannot exist freely. जो के सबसे छोटा जर्रा एटम है किसी भी मैटर का जो के आजादाना तौर पर खुद सर्वाइव नहीं कर सकता. Now we have iron. Iron. What is an iron? Iron is charged species formed from an atom or chemically bonded atoms by addition or removal of electrons. जरा नीचे देखें, यहाँ पर सोडियम एटम का दिखाया गया है. इसमें आप देखें कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है सोडियम एटम के और न्यूट्रॉन 12 है. इस वक्त हम न्यूट्रॉन से कंसर्न नहीं है. तो प्रोटॉन 11 है, यानी 11 पॉजिटिव चार्जेस हो गए. साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बाहर गर्दिश कर रहे हैं. सो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281. अगर फर्ज करें ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, अगर इसका मतलब ये है कि एक इसमें से एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है. ये सोडियम एटम है, इसमें से एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है. तो यहाँ पे आप देखें एक सोडियम आयन बन जाता है जिसे हम कैटायन भी कहते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है और एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, लिहाजा इसको Na+1 लिखा जाएगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयन इज चार्ज स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम एन एटम, किसी एटम से बन सकता है या केमिकली बॉन्डेड एटम, बहुत सारे एटम से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या गेन कर ले एडिशन या रिमूवल उसमें, तो ये इस तरह बनता है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई एटम अगर लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, उसे कैटायन कहते हैं, और अगर वो गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, उसे एनायन कहते हैं. यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है सोडियम आयन, कैल्शियम अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैल्शियम आयन्स, क्लोराइड आयन्स, क्लोरीन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो ऑक्सीजन आयन, यहाँ पे हम कह सकते हैं. तो ये इस तरह से ये आयन बनता है. आगे देखें, कभी कभार मॉलिक्यूल की शक्ल में भी आयन बनता है, इसे हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं. When a molecule loses or gains electron, the resulting species is called molecular ion. Look at this example here. Oxygen, if it loses one electron, तो इसको इस तरह लिखा जाता है. जब ये oxygen absorb करती है एक electron, तो इसको इस तरह ion की शक्ल में लिखा जाता है. इसी तरह से nitrogen जो है वो जब एक electron lose कर ले, nitrogen molecule की शक्ल में है, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल की शक्ल में है, ये जो है इस हालत में आयन बन जाती है. इसी तरह से नाइट्रोजन जब वो गेन करे तो ये हालत में बन जाती है. ये दोनों एग्जांपल जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, ये एटम नहीं थे, ये मॉलिक्यूल थे. यहाँ O2 लिखा है, इसका मतलब दो एटम मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है. आगे आ रहा है जी एक नई चीज़, फ्री रेडिकल. An atom with an unpaired electron and bears no electrical charge, इसको हम free radical कहते हैं. यहाँ पे दो example दी गई हैं. Hydrogen atom देखें, इसका nucleus है जिसमें एक proton होता है और बाहर एक electron है, तो इसको इस तरह लिखते हैं और ये एक free radical बनता है. इसी तरीके से chlorine atom देखें, chlorine के अंदर पहले शेल में दो, दूसरे में आठ, फिर तीसरे में भी आठ और सबसे बाहर वाले में चौथे में एक होता है. तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये फ्री रेडिकल कहलाता है. अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फ्री रेडिकल और आयन में क्या फ़र्क है. तो यहाँ पे आप देखें फ्री रेडिकल दिया गया है और आयन क्लोरीन के है एग्जाम्पल से.
क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल की शक्ल में इस हालत में होगा। यहाँ पे आप देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, एक फालतू इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब ये हुआ कि इट हैज़ गॉट ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस लिहाज से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज है, क्योंकि इसके अंदर 17 पॉजिटिव चार्जेस और 17 नेगेटिव चार्जेस है, प्लस 17 और माइनस 17 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दूसरी तरफ आयन देखें, आयन के अंदर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन नंबर है, और इस लिहाज से यहाँ पे देखें कि 17 प्रोटॉन हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इस लिहाज से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। तो ये फ्री डिफरेंसेस हैं बिटवीन फ्री रेडिकल एंड आयन। आगे आपका होमवर्क एक दिया जाता है, जो होमवर्क है आपकी है एक्सरसाइज 1.6। इसके बाद हम आ रहे हैं जी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स। किसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स? रिफर्स टू स्पीशीज प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। मिसाल के तौर पे स्पीशीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, कैन बी फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैन बी फॉर्म ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। एग्जाम्पल जो है, वाटर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स जबकि कार्बन एज एटम्स। नेक्स्ट आ रहा है जी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कब बनता है? व्हेन एवर टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की भी दो किस्में हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, हीलियम एक ही एटम से बना होता है, और नियॉन और आर्गन और क्रिप्टन। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो एग्जांपल है, इसमें व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ना वो कंबाइन हो गए, अमोनिया में है नाइट्रोजन, और तीन एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन हो रहे हैं। तो ये तो था मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। नाउ आपने ये एग्जांपल सुने होंगे, पेयर ऑफ शूज, डजन्स ऑफ एग्स, रीम ऑफ पेपर्स। जब हम पेयर ऑफ शूज कहते हैं, असल में हमारा मतलब होता है एक जूता नहीं, दो जूते, एक जोड़ी जूता। और इसी तरह से डजन ऑफ एग्स, हमारे मतलब ये नहीं होता कि एक अंडा बल्कि 12 अंडे। रिम ऑफ पेपर्स, 500 का रिम एक एक पैकेट होता है, जिसमें आप देखेंगे 500 पेपर होते हैं, उसे 1 रिम ऑफ पेपर कहते हैं। तो ये है काउंटिंग यूनिट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर काउंटिंग। केमिस्ट यूज्ड प्रैक्टिकल यूनिट फॉर काउंटिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, और उनका यूनिट कौन सा है? वो है मोल। मोल इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अ मोल इज एन अमाउंट दैट कंटेन्स 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। इसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, उस साइंटिस्ट का नाम। तो इसका सिंबल है निशान, कैपिटल एन लिख के एक कैपिटल ए छोटा सा साइड में लिख देते हैं। ये है काउंटिंग यूनिट फॉर केमिस्ट्स। नाउ मोल ऑफ सल्फर एटम्स, मोल ऑफ कार्बन एटम्स, दे बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। कितने मिनट हुआ?